चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर पावर क्या होता है, पावर होता है आप लोग को सब पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, पढ़े ना ये बात, रेट ऑफ डूइंग वर्क ये है ना, इट्स कॉल्ड पावर। इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो पावर है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रफ्तार से कोई भी काम हो रहा है उसी को पावर बोलते हैं। अगर हम पूछे कि पावर, अगर हम थोड़ा ढंग से लिखे कि किस रफ्तार से हो रहा था, डी डब्ल्यू बाय डी टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर हम कह दें कि मेरे पास कोई डब्ल्यू टी ग्राफ है, ठीक है, और इस पर अगर हम कहीं पर स्लोप निकाल दें, क्या सारा गाना रोना धोना वही स्टार्ट हो गया क्या फिर से? याद है ना, है ना? ये थीटा अगर बना ले तो बोलेंगे सर छोटा सा काम हुआ है डी टी टाइम में, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये वाला जो हाइट है ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, और ये जो बॉटम वाला जो हिस्सा है ये होगा डी टी। तो यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो टेन थीटा क्या आएगा, डी डब्ल्यू बाय डी टी। समझ में आ रहा बात, यानी किस रफ्तार से काम हुआ है। अगर यहाँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो हमको पता है ये जूल है और नीचे में सेकंड है ना, तो जूल पर सेकंड, ठीक है, इसी को कहते हैं पावर, है ना। वो था ना एक डॉक्टर जेकाल पावर, है ना, सत्यवान था, तो वही है पावर, ठीक है। तो यानी किस रफ्तार से कोई भी काम हो रहा है हम उसी को कहते हैं पावर। अच्छा इसी को क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं क्या, है ना? नहीं बोलते, इंसान का वाट लग गया तो यही वाला वाट है ना। हाँ, अदर यूनिट भी क्या है इसका, किलो वाट, है ना। तो 1000 वाट को बोलते हैं, ठीक है, थीके? पहला हो गया। अगर दूसरे को यूज करते हैं हम लोग मेगा वाट, है ना, तो 10 पे पावर 6 वाट बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि 1 मेगावाट मतलब 10 पे पावर 6 वाट, समझ में आ गया। और उसी तरह से एक और होता है ना, वो क्या बोलते हैं, एचपी, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हॉर्स पावर, क्या ये हॉर्स पावर, ठीक है, ये क्या होता है बताओ, 1 एचपी का वैल्यू 746 वाट, ऐसा कुछ होता है ना। ये सब क्लास 3 4 में पढ़े हो ना तुम लोग जी, तो पावर सबको समझ में आया कि नहीं आया ये? अच्छा इसमें समझने का क्या बात था, सबको पता था कि सर किस रफ्तार से काम होता है हम उसी को तो पावर कहते हैं, और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर से एवरेज पावर का। एवरेज पावर क्या होता है, अगर हम बोले कि टोटल वर्क डन, क्या ये टोटल वर्क डन, समझ रहे बात को, टोटल वर्क डन जो हुआ है बाई टोटल टाइम, बाई टोटल टाइम को कह देंगे हम एवरेज पावर। और एवरेज पावर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे है ना, इसको बोलते हैं एवरेज पावर, यानी कि ऐसे करके भी बोलते हैं लोग कुछ, ए बी जी, पी ए बी जी, ठीक है। ये जो बार दिख रहा है ना यहाँ पर ऐसे करके, ये वाला ये वाला ये वाला, इस सिंबल का मतलब होता है एवरेज पावर। मतलब बेसिकली कहानी ये हुआ कि अगर मान लो कि एक सिस्टम है, कोई भी मशीन काम कर रहा है 10 घंटे के लिए काम कर रहा, समझ गए बात को, तो उस मशीन ने 10 घंटे में कितना काम करा, और बाई टोटल टाइम को हम कह देंगे एवरेज पावर। एकदम आसान हो गया, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, सिंपल है कि नहीं है, ना। अगर हम कह दें जैसे, अच्छा थोड़ा इसी को और अच्छे से लिखें यहां से, तो पी एवरेज को हम ऐसे लिखेंगे, पी एवरेज को हम ऐसे लिखेंगे टोटल वर्क डन लिखना है तो, यानी कि टोटल वर्क नेट, है ना, बाय टोटल टाइम, पी टोटल लिख देते इसको ऐसे करके। अच्छा टोटल वर्क याद है कितना होता है, इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर कह सकते हैं क्या, का इंटीग्रेशन, तुम लेके थे तोते उड़ गए, याद है कि नहीं है वर्क का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। और टोटल टाइम को हम ले सकते हैं क्या, डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी को भी जोड़ेंगे टोटल टाइम में, है ना, तो ऐसे ही आएगा ना। अच्छा इसको और ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहां से देखो, यहां से यहां से यहां से डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी टी, है ना, यहां पर, यहां सबसे टॉप पर, टॉप पे देखो जाकर के ऊपर में,
करते ये चीज पे देखो। तो वर्क क्या होगा अगर आप पूछे किसको इंटीग्रेट कर दे, तो वर्क क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी टी, ये हो जाएगा क्या। देखो तो टोटल वर्क डन अगर हम ये लिख दे तो वर्क नेट क्या होगा। देखो सुनो पंकज, जो नए अभी जुड़े हो उसको ध्यान सुनो, कुछ ऐसा भयानक चीज नहीं पढ़ा है हमको, पढ़ना था पावर। पावर होता है वर्क बाय टाइम, बस ठीक है। तो वर्क क्या होता है, छोटा सा है ना, वर्क के करने का रफ्तार को बोलते हैं, जो भी काम करने का रफ्तार, ये क्या है वर्क। पावर क्या बोलो तो, काम करने का रफ्तार है ना, किस रफ्तार से काम हो रहा है, यही है हमारा पावर। बात समझ गए। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी को कहते हैं पावर, तो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा पी डी टी, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क नेट के जगह पे हम इंटीग्रल ऑफ पी डी टी लिख सकते हैं क्या, बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, जीरो से लेकर के टोटल टाइम टी तक में कोई सवाल है किसी को बताओ, ऊपर से लिख दे रहे हैं। देखो हमको क्या बोला है कि एवरेज पावर चाहिए, क्या चाहिए हमको, पावर का एवरेज वैल्यू। एवरेज पावर क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, ये है ना। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो हम अभी जानते हैं कि पावर बराबर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू बराबर पी डी टी, इसी को इंटीग्रेट कर दिए, तो टोटल वर्क के जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी बाय इंटीग्रल ऑफ डी टी जीरो से लेकर टी टाइम तक। सबको समझ में आया कि नहीं आया। कहानी कुछ इतना ही है कि पावर चाहिए था और हमको एवरेज पावर चाहिए, और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस पावर, हम उस पर बात करेंगे बाद में। जैसे अगर हम यही इंस्टेंटेनियस पावर है, तो अगर हम यहां से तुमसे पूछे इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी का मतलब क्या होगा, इस चीज को हम अगर थोड़ा हम इसको बगल में लिख देते हैं ऐसे करके, पी एवरेज का मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ पी डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी जीरो से करके टी टाइम तक, जीरो से टी टाइम तक, ये हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ गया समझ में। ओके, तुम लोग तो मिला दिए, चलो सही है। तो ये जो हम ब्लॉक बना दिए इसको याद रखना ठीक है, यहां से ही हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है। चलो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने कह दिया कि मेरे पास कोई पी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, पीटी ग्राफ है हमारे पास। देखो ध्यान से, कोई पीटी ग्राफ हम बना रहे हैं, यहां से लेकर के अजीब सा ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुंचा दिए ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये सर T1 है और ये T2 है, और ये कौन सा ग्राफ है बोलो तो, पावर टाइम ग्राफ है, दिख रहा है क्या, सबको दिख गया। अगर हम इसका निकाल दें एरिया, तो सोच के देखो तो क्या होगा, इसका एरिया निकालोगे, पीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, वर्क। देखो तो सही बात बोले गलत बात बोले, इसका पीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा क्या, एकदम नहीं समझ में आया ना, नहीं आया ना। चलो देखो ध्यान से, अगर हम ये कह दें ठीक है, ये देखो ध्यान से, यहां पर एक छोटा सा हब डी टी टाइम ले लेते हैं, छोटा सा इत्तू सा, समझते हो ना इत्तू सा समय, हम ये देखते हैं इत्तू सा समय में कितना काम करना पड़ा। तो हम ये हाइट कितना होगा बता दो, तो ये अगर टी टाइम है तो ये हाइट कितना होगा, पी होगा क्या, होगा ना। इसका एरिया कितना लिखोगे, पी डी टी लिखोगे क्या, बोलो तो सही है। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप क्या होगा, बता सकते जल्दी से, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्मॉल, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिखो इसका क्या लिखोगे बताओ, पी डी टी लिखोगे क्या। अरे इसका हाइट हो गया पी, अब बेस हो गया डी टी, सही लिखे हैं क्या। आ ये पी डी टी का है, तो सर डब्ल्यू है, छोटा सा डब्ल्यू है कि नहीं है। अगर हम इसको नेट इंटीग्रेट कर दें, तो वर्क नेट निकालने के लिए क्या करेंगे इसको, तो सर हम इंटीग्रल कर देंगे डी डब्ल्यू को, तो डी डब्ल्यू जो यहां से यहां तक कर रहे होंगे सबको पकड़ के जोड़ देंगे, तो नेटवर्क नहीं आएगा जी। अरे डी डब्ल्यू करके यहां से जो काटना स्टार्ट करोगे ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स, याद है कि नहीं इंटीग्रेशन, तुम लोग को ये फिर से पढ़ाना पड़ेगा। इसको अगर हम ऐड कर देंगे यहां से तक, तो हमको नेटवर्क डन आ जाएगा। तो
नेट वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी, कहां से कहां तक सर, T1 से T2 तक, सही लिखे क्या? तो बस ये लिखे थे वर्क नेट। और अगर हम पूछे कि एवरेज पावर क्या है तो बता दो क्या लिखोगे सर, वर्क नेट बाय टोटल टाइम, ये लिखोगे कि टोटल टाइम कितना, वर्क नेट कितना है, देखो तो पी डी टी सर T1 से T2 तक में, और टोटल टाइम कितना लगा यहां से तक देखो तो कितना, T2 माइनस T1 लगाए क्या, नहीं लगा, यहां से तक का समय कितना है, तो T2 माइनस में T1। कोई सवाल? अरे अब आप कैसे समझाएं एक के बात को, तो 5 तरीके समझा दिए। ठीक सुनो, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या हुआ, किसी भी इंस्टेंट पर पावर चाहिए हमको, मतलब कि अभी के अभी बताओ कितना पावर है उस बॉडी के पास, है ना, यानी कि इसको क्या बोलेंगे बोलो तो, पावर ऑफ एनी बॉडी या फिर मशीन कह सकते क्या, एट एनी टाइम इंस्टेंट, टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड, ये सब तुम लोग का अब गाना रटा गया क्या, इंस्टेंटेनियस पावर कैसे बोलेंगे इसको, समझ में आ चुका है सबको। तो पी इंस्टेंट अगर हम लिखना चाहते हैं ये क्या होगा सर, उस समय का जो वर्क हुआ होगा, है ना, मान लो कि एक सिस्टम है, मान लो कि ये बॉडी है, इस बॉडी का वजन मान लो एम है, और इस पर हमने फोर्स लगाया ऐसे, तो फोर्स लगाते ही ये बॉडी क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा आगे, सही है क्या, इतना बात समझ रहे हो, तो थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा डिस्प्लेस कर गया, तो सर वर्क कितना हुआ, तो सर छोटा सा वर्क डन हो जाएगा DW, और जो छोटा समय लगा वो DT, सही है क्या, उस समय उसी समय जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय कितना वर्क हुआ, तो हम उस समय कितना बोलेंगे सर, इतना सा फोर्स लगाए उसमें dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सही है क्या, तो वर्क कैसे लिखोगे, तो सर एफ डॉट डीएक्स वहां का बाय डीटी, और डीएक्स वाली डी क्या है, वेलोसिटी है क्या बता तो, अरे डीएक्स वाली डी को वेलोसिटी कहते हैं क्या, डी वेक्टर क्या होता है, डीएक्स वेक्टर बाय डीटी होता है क्या, हो गया ना, तो इंस्टेंट पावर कितना हुआ बोलो तो जल्दी से, एफ डॉट भी क्या हो गया, एफ डॉट भी, समझ में आया कि नहीं आया, डॉट प्रोडक्ट क्या बोलो जल्दी से बोलो इसको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। कोई सवाल किसी को, किसी को तकलीफ, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, 3 बात सीखे, देखो वर्क बाय टाइम पावर, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम एवरेज पावर, और फोर्स इनटू वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पावर, क्या ये 3 फॉर्मूले सबके दिमाग में बैठ गए क्या, अब आगे बढ़ो तो देखो 3 चीज समझना, मान लेते हैं कि 3 केस लेते हैं ना, कितने केस लेंगे चलिए बोलो, 3 केस लेंगे, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, सोनल बाबू, ओहो सोनल बाबू, हाँ है ना रे, समझ में आ रहा है रे, हाँ ठीक है, तो अगर मान लो कि इधर फोर्स लगा है और ये बॉडी इधर जा रहा है, तो बताओ थीटा कितना हुआ, जो 3 बोल के 4 लगा दिए रे, मेरा काउंटिंगो खराब हो गया, बताओ तो पावर कितना हो जाएगा, एफ भी कॉस 0 डिग्री, सही है क्या, देखो अरे एफ एफ डॉट भी कर रहे थे, तो एफ डॉट भी क्या लिख सकते हो, एफ भी कॉस थीटा लिख सकते हो क्या, ए ना है? नहीं लिख सकते हो जी, तुम लोग का तो भूकंप आ गया रे दिमाग में, अरे डॉट प्रोडक्ट इसी को कहते हैं एफ डॉट भी, ठीक है, तो एफ भी कॉस, अच्छा ये कॉस 0 = 1 हो जाता है, तो एफ भी आ जाएगा, सीधा बात है, अगर यहीं पर इस बॉडी को लेते हैं, फोर्स हम इधर लगा दिए, बॉडी का वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो बता दो फोर्स पावर कितना होगा, एफ भी कॉस 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये सब हम लोग पढ़े थे क्या, ये सब पढ़ा हुआ है ना हमारा कुछ कुछ, है ना, तो फोर्स इधर लगा, अब सर वेलोसिटी इधर है, तो पावर क्या हो जाएगा, एफ भी कॉस
180 डिग्री, ये तो माइनस में अब भी हो जाएगा। और अगर ये फोर नंबर है बोले कि सर फोर्स इधर लगा दिए हैं, अब वेलोसिटी बॉडी का इधर है और किसी एंगल 60 डिग्री पर है, बता दो पावर कितना होगा इसमें, एफ बी कॉस 60 डिग्री, तो एफ बी बाय टू, क्या सही लिखे क्या, है ना। एफिशिएंसी को देखो, एफिशिएंसी मतलब सुना होगा कोई भी हम मशीन खरीद करके लेके आते हैं। अच्छा तुम लोग घर में गैस चूल्हा सुने हो, गैस चूल्हा, गैस चूल्हा ऐसे होता है ना रे, ये देखना कुछ इस पे लिखा होता है 68% एफिशिएंट लिखा होता है, सुने हो कभी, लिखा रहता है गैस चूल्हा जितना भी है गैस चूल्हा सब में लिखा रहता है 68%, ठीक है। या फिर कोई भी मशीन हम खरीद करके लेके आते हैं, बाइक ही खरीद करके लेके आए, तो बाइक में हम जितना पेट्रोल डालते हैं क्या वो सारा का सारा पेट्रोल जो जल करके क्या गाड़ी को सिर्फ चलाने में खत्म होता है, कहीं और भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, एनर्जी का बर्बादी होता है ना। अरे बोलो रे, हाँ जो हाँ हीट में फालतू मैकेनिकल फ्रिक्शन में बर्बाद होता है, 100% कोई भी चीज एफिशिएंट नहीं होता है, ऐसा ही है ना बात, 100% एफिशिएंट कोई भी चीज है ना नहीं होवे है, सही है क्या। अरे बोलन रे, हाँ तो एफिशिएंसी को लिखते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा, क्या बोलते हैं इसको, अधानी ईटा, क्या बोलते हैं इसको, ईटा, ठीक है। ईटा क्या होता है, पावर आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, पावर इनपुट मतलब जितना हमको एक मशीन जो है आउटपुट दे रही है और जितना हम उसको इनपुट दे रहे हैं, मेरा बात सबको समझ में आया, हम जितना उससे आउटपुट गेन कर पा रहे हैं और जितना वो हम उसको इनपुट दिए, मेरा बात समझ गए, देखिए क्या। अच्छा इसको ऐसा क्वेश्चन पहचानते हैं क्या हम लोग, अ बॉडी ऑफ मास है ना, क्या कह रहा है इस सवाल में, ध्यान समझिए, है ना, कह रहा है एक बॉडी को लिए, इसको किसी रफ्तार u से, ये सॉरी v नॉट रफ्तार से फेंके ना, देखो तो है ना, v नॉट रफ्तार से फेंके किसी एंगल अल्फा पर, ऐसे फेंक दिए, क्या होता है इस बॉडी के साथ में बताओ तो, ये क्या करता है, याद है, प्रोजेक्टाइल करता है, इसे करता है कि नहीं करता, इसको बोलते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे बोलो रे, हाँ इसी को ना बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ तो अब बॉडी ऑफ मास m थ्रोज, तुम लोग को पता चला होगा क्या किए, ठीक है, कह रहे कि मीन पावर, देखो यहां पर वर्ड लिखा है क्या, मीन पावर लिखा है ना, इस मीन पावर का मतलब होता है एवरेज पावर, क्या होता है, एवरेज पावर, समझ गए। और दूसरा तो तुम पहचान ही रहे हो, इंस्टेंटेनियस पावर, क्या बोला है, ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना पावर दिया, बात क्लियर है तुम लोग को कि नहीं, ये दो सवाल है क्या। अरे बोलो रे, हाँ पढ़ाते आप आसान आसान है, क्वेश्चन दे देते हैं ऐसा की मतलब कितना अच्छा था, फोर्स देते, वेलोसिटी देते, मल्टीप्लाई करते आंसर, है ना, खुश रहते, बोलो हाँ। मान लो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये बॉडी क्या यहां पहुंच गया होगा, जहां पर हम डॉट लगा रहे हैं, उस समय ये किसी रफ्तार भी से भाग रहा होगा क्या, उस समय इसके पास कुछ हॉरिजॉन्टल रफ्तार होंगे क्या, अगर ये थीटा एंगल है तो, किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पर बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार क्या होगा सर, वी नॉट कॉस अल्फा होगा क्या, अब वर्टिकल रफ्तार क्या होगा, जल्दी बोलो वर्टिकल रफ्तार क्या होगा, तुम लोग सब चार ए हे हे हे, तुम लोग के तो गार्ड, हाँ इधर की तरफ वी नॉट कॉस अल्फा, यहां वी नॉट साइन अल्फा ना, यहां पर तो ये देखो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, इधर ऊपर की तरफ रफ्तार तो घटेगा,
है ना, तो भी वाई बराबर क्या लिखते हैं, यू वाई माइनस में जी टी ना लिख देते हैं, है ना। तो वाई डायरेक्शन रफ्तार क्या होगा, तो शुरुआत का रफ्तार कितना दिख रहा है, वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी, क्या सही लिखे क्या ऊपर का रफ्तार। अरे तुम लोग का समझ में ही नहीं आया, दिमागे भूकंप लग गया। अरे इतना तो समझते हो कि तुम लोग को हमको फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ाना पड़ेगा अभी इसको रोक करके। अरे हॉरिजॉन्टल रफ्तार ना बाबा कांस्टेंट रहता है रे, वर्टिकल रफ्तार तो सर वो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाता है, तो ऊपर की तरफ बॉडी जाएगा तो रफ्तार घटेगा। इतना बात समझ चुके हैं, तो हम कह देते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी बता दो क्या लिखेंगे, इतना आई कैप इतना जे कैप से लिखे क्या, कैसे लिखे क्या, तो वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी जे कैप, क्या एकदम सही है क्या, है ना। अरे किसी इंस्टेंट पर तो यही होगा ना। हाँ बाकी देखो फोर्स कैसे लग रहा है नीचे, अगर हम फोर्स की बात करें तो किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स कैसे लग रहा है सर, एमजी लग रहा है ग्रेविटी, और किधर लग रहा है बताओ तो, माइनस जे कैप से। ये क्या, अगर इस बॉडी पर बताओ फोर्स कैसे लग रहा है, तो इस बॉडी पर यहीं पर बॉडी पर फोर्स कैसे लग रहा है, तो एमजी लग रहा है नीचे की तरफ, तो एमजी माइनस जे कैप से लिखे क्या। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। अगर हम पूछ दें कि पी इंस्टेंट क्या होगा, जो कि पी होगा बेसिकली वो तो एफ भी होगा क्या, एफ वेक्टर डॉट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो माइनस एम जी जे कैप को डॉट करवा देंगे इससे, तो वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस में वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी जे कैप, एकदम समझ में नहीं आया। अच्छा बताओ तो आई को जे से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो आता है क्या, डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर हो गया, देखो आई इधर जे इधर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका तो जीरो आ जाएगा, बचेगा सिर्फ यही दोनों का, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, तो लिख देंगे सर माइनस में एम जी और ये हो गया वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी, सिर्फ इतना ही रहेगा क्या, क्योंकि सर जी आई डॉट जे जो है वो तो जीरो जाता है, और कौन बचा रहे जे डॉट जे, जे डॉट जे जो है ये हमारा वन हो जाता है। इतना पढ़े हैं हम लोग, चलो यहां से पता पी इंस्टेंट निकल गया क्या, कितनों को नहीं आया समझ में, ठीक है बंद कर दो सारे के सारे, जिसको समझ में नहीं आ रहा जल्दी से बोलो कि किसको नहीं आया, क्योंकि हम आगे जो बताएंगे वो तुम लोग का दिमाग ब्लास्ट कर देगा। यहां तक सबको समझ में आया, हम किसी इंस्टेंट वेलोसिटी निकाल दिए और फोर्स निकाल करके दोनों का सिर्फ डॉट किया और कुछ भी नहीं किए, ठीक है। अब अगर हम पूछे तुमसे कि मीन पावर बता दो, क्या पूछे हम, मीन या पी एवरेज बता दो, तो पी एवरेज का मतलब क्या होता है याद है, इंटीग्रल ऑफ पी डी टी बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी, ये लिखा है थे ना, तो पावर देखो तो हमको आ चुका है क्या, तो पावर जब लिख देते हैं तो माइनस में एम जी वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के टी टाइम तक, और यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ डी टी जीरो से टी तक, क्या सही लिखे क्या, फिर लिखा हुआ है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहां से जो लिखा हुआ था फिर से यहां लिख देते हैं, पी एवरेज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, माइनस में एम जी वी नॉट साइन अल्फा, है ना, वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी, अभी सिर्फ कुछ नहीं किए हैं सिर्फ लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ डी टी जीरो से टी तक, तो यहां से माइनस में एम जी तो बाहर आ जाएगा देखो तो, है ना, अंदर में क्या बचा, अच्छा यहां से डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा क्या, अंदर में क्या बचा, वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी, सॉरी पी डी टी था ना, पी डी टी, डी टी छोड़ दिए थे, देखो यार डी टी छोड़ दिए थे,
डीटी रख देते हैं यहाँ पर, जीरो से लेकर के टी तक। अब सिर्फ इंटीग्रेशन बचा और कुछ नहीं बचा है, तो बचा माइनस में एम जी बाई टी। ये देखो ये कॉन्स्टेंट टर्म है क्या, वी नॉट साइन अल्फा है तो गिवन टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं चुपचाप से। वी नॉट साइन अल्फा और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी। ओ तुम लोग क्यों उड़ गए ना, दिमाग फ्यूज कर गया ना। यस सर, तुम लोग का दिमाग फ्यूज कर गया। सुनो देखो, इसको बाहर कर दिए ना, अभी इंटीग्रेशन के साथ में काम करते, इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट साइन अल्फा डी टी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ जी टी इंटू डी टी। क्या अभी ठीक है, क्या अभी ठीक है? आप क्या कर सकते बताइए, वी नॉट साइन अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन टी माइनस में जी टी स्क्वायर बाय टू होगा क्या? देखो तो जी बाहर आ गया, टी पावर वन यानी वन का स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टू, ऐसा हो जाएगा क्या? अब देखो तो टी कॉमन आके गया, टी तो गया, ये तो गया फ्री में। तो देखो अब मेरे पास जो आंसर आया है, क्या हम उसको चुपचाप से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो टी एवरेज आया है वो कितना आया, देखो तो माइनस में एम जी वी नॉट सॉरी 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 वी नॉट साइन अल्फा माइनस में जी टी बाय टू, क्या हम ये लिख सकते हैं? ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। In the following diagram, find out the power delivered by the tension to the block in first 2 second and at 2 t equal 2 second. ये दो सवाल है। Basically, first 2 second का मतलब शुरुआत से 2 second के बीच में एक average power निकालना है, और at 2 second का मतलब instantaneous power निकालना है। क्या ये दोनों line सबको समझ में आया? इन फर्स्ट 2 second और 2 second में कितना पावर लगा, यानी कि पहला जो सवाल है ए नंबर क्वेश्चन जो अगर हम पूछें वो क्या है हमारा, वो तो चाह रहा है कि पी एवरेज बताओ। तो पी एवरेज क्या होता है, टोटल वर्क नेट है ना, वर्क टोटल बाय टोटल टाइम। और बी नंबर में अगर हम पूछ रहे हैं तो वो तो हम कह रहे हैं सर कि पी इंस्टेंट बता दीजिए, वो तो क्या होता है एफ डॉट बी, यही होता है जी, यही होता है ना। अब देखो ये बेसिकली अब हमको समझ में आ चुका है पूरा कहानी क्या है। अच्छा चलो इस फोटो को देखते हैं ध्यान से, इस यही बॉडी में ये आदमी है और एक पुली लगा हुआ, एक मास है 4 किलोग्राम का, तो क्या यहां से टेंशन हम कह सकते कि टी लगा होगा, कह सकते हैं ना। और नीचे की तरफ सर एम जी लगा होगा जो कि 40 लगा होगा इस पे, और ये बॉडी देखो जी बाय 4 से ऊपर भाग रहा है, ये तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या, ऊपर भाग रहा है। क्या इसका एक क्वेश्चन लिख सकते हो क्या, ये बॉडी अगर ऊपर जा रहा है टी माइनस में 40 बराबर 4a, तो टी माइनस में 40 बराबर 4g बाय 4, सही लिखे क्या? तो t माइनस 40 इक्वल टू टेल 10, तो t इक्वल टू कितना 50 न्यूटन, सही दिखे क्या? और जनता के भारी डिमांड पर फिर से ये देखिए सर, ऊपर टेंशन t, नीचे की तरफ 40, क्या समझ में आया? ये बॉडी ऊपर की तरफ g बाय 4 से जा रहा है, g बाय 4 मतलब 10/4 के मोशन से ऊपर जा रहा है। इक्वेशन कैसे लिखोगे, t माइनस 40 बराबर 4 इंटू एक्सलेशन, सही लिखे क्या? टेंशन कितना हो गया 50 न्यूटन, क्या एकदम नहीं समझ में आया? समझ गए, गुड। अगर समझ में आ गया तब आगे बढ़ते, पढ़ा जाए। तो टेंशन तो आ गया, अब हमको चाहिए क्या, देखो हमको चाहिए वर्क, हमको चाहिए वर्क। वर्क मतलब क्या होता है बताओ, तो वर्क डन बाय व्हाट, टेंशन। टेंशन का वर्क क्या हो जाएगा, टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, इन होगा जी बाय टोटल टाइम, सही है क्या? अरे बोल रहे हाँ, अरे पापी सब तुम लोग कुछ बोल भी नहीं करते। तो हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एस बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या, बोलो सही है क्या? शुरुआत है मान लो कि रेस्ट में था, इनिशियली एट रेस्ट में था, कैसे था, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल रफ्तार जीरो प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है ऊपर की तरफ, जी बाय फोर है क्या, समय दिया है 2 सेकेंड, तो 2 × 2 ये तो गया क्या रे, तो 5 मीटर गया है क्या डिस्प्लेसमेंट। अगर हमको साफ साफ दिख रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट इसका 5 मीटर हुआ है, तो हमको एक और बात बता दो, 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी भी, तो भी बराबर यू प्लस में 80 होता है, ये तो जीरो है, एक्स में हमको पता है कि 10/4 समय है 2। ओहो
ये भी 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार है क्या? कोना में सबको समझ में आ रहा है? अरे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, पुट कर लो ना। टेंशन कितना है? टेंशन दिख रहा है 50, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 5, और समय लगा है 2 सेकंड। और अगर हम पूछे पी इंस्टेंट, तो फोर्स कौन लगा रहा है? टेंशन इंटू वेलोसिटी। टेंशन कितना दिख रहा है? 50, वेलोसिटी दिख रहा है 5। कितना हो गया? 125 वाट। और यहां पर 250 वाट। क्या बिल्कुल समझ में नहीं आया? सबको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ। दोनों हम निकाल दिए। अरे बुलंद रे, हाँ। कहने का मतलब है कि जब बॉडी मान लो कि यहां से स्टार्ट किया था चलना, है ना, इस जगह से स्टार्ट किया चलना, तो ऊपर की तरफ टी लगते हुए थोड़ा देर के बाद यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंच गया, ये बॉडी बेसिकली 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था, और ये हाइट भी इसने 5 ही मीटर कवर करा है। क्या पूरा कहानी समझ में आया? ठीक है, तो यही पूरा कहानी है। डेटा थोड़ा अजीब तरीके का आ गया है, पांच पांच मैच कर गया। तुम थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर ये 5 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो रे, हाँ। आगे बढ़ा जाए। अजय देखो, यहाँ पर जल्दी से बताओ इसका, जल्दी बताओ। फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, एफ डॉट भी करोगे पावर आएगा क्या? आएगा ना जी, जल्दी बताओ आंसर, बताओ जल्दी से इसका, इसका क्या आएगा? जल्दी से कॉपी और पेन उठाओ, पावर कितना आता है जल्दी बताओ। एफ डॉट भी करो, 30 i कैप प्लस में 40 j कैप माइनस में 20 k कैप। अब तो तुम लोग खुश हो गया होगा, चेहरे पर मुस्कान बत्तीसी झलक रहे होंगे। जल्दी बोलो। ओके, सबका आया कि नहीं आया? सही है क्या? चलो दूसरा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। कह रहा है कि इसमें एक्वायर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है फोर्स के, इसका मतलब क्या है? कि पावर जीरो है क्या? इसका मतलब क्या है कि एफ वेक्टर डॉट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वो जीरो हो जाएगा, है ना? तो दोनों का डॉट करवाओ जल्दी से। क्या लिखोगे? 30 i कैप प्लस में 40 j कैप माइनस में 20 k कैप को डॉट अगर करवाएंगे 4 i कैप माइनस में 6 j कैप प्लस में m k कैप से, तो हमको जीरो मिलेगा। तो 4 3 12 120 माइनस में 240 और माइनस में 20 m इक्वल टू 0। क्या m आ गया? एम का वैल्यू कितना है? माइनस में 6। कितनों को एकदम भी नहीं आया, मेरे सामने रखा हुआ एम। एम वजन नहीं है रे, एम एम है, ऐसे एक नंबर है कुछ है। तो ये वजन नहीं है भगवान। अभी ठीक है? अरे बुलंद रे, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आप लोगों को। और ये बना सकते हो क्या? एक बॉडी है जिसका वजन 5 किलो दिया है, उसका एक्स दे दिए हैं, तो तुम वेलोसिटी निकाल दोगे क्या? एक्स दिया है तो वेलोसिटी निकाल सकते हो? अब वेलोसिटी निकाल करके एक्सेशन भी निकाल सकते हो। अगर एक्सेशन निकल जाएगा, उसको मास से मल्टीप्लाई कर लोगे तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पावर आ जाएगा। क्या एकदम समझ में बिल्कुल नहीं आया? अरे भाई, एक्स दिया हुआ है ना हमको, एक्स बराबर क्या हो गया? 2t का स्क्वायर माइनस में 3t का क्यूब। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बता? तो वो तो सर dx / dt होता है, यानी कि 4t माइनस में 9t का स्क्वायर। और अगर एक्सेशन पूछेंगे तो dv/dt हो जाएगा, यानी कि 4 - 18t हो जाएगा। क्या सही है क्या?
अगर आप पूछे फोर्स क्या होता है तो एम ए होता है ना। अरे फोर्स तो एम ए होता है ना। एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, 4 माइनस में 18 टी, तो एम के जगह पे 5 × 4 − 18 टी कितना हो गया, 20 − 19 टी ये हो गया फोर्स है ना। और यहां वेलोसिटी दिख रहा है। अगर हम पूछे पावर कितना है इसका, तो पावर इस क्या होता है, एफ डॉट भी होता है क्या, तो फोर्स हो गया 20 − 19 टी। तुम लोग का तो भूकंप आ गया दिमाग मेरे, नहीं आया ओ, तुम लोग ऐसे करेगा रे क्या, पावर 2 से 3 सेकंड पे निकाल सकते हो क्या, 3 सेकंड पे क्या करेंगे, टी का वैल्यू यहां पुट कर लेंगे तो निकल जाएगा। अरे पापी सब, एक्स आया है वेलोसिटी निकाल, एक्स निकाल लेंगे फोर्स निकल गया। अब फोर्स निकालने के लिए पावर इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देंगे तो पावर आ गया। तो बस पावर पूछा है 3 सेकंड पे 4 सेकंड पे, तो सब पुट कर दिए। क्या ये सॉल्व हो जाएगा, क्या ये सॉल्व करेंगे हम, हाँ तो 4 सेकंड पे क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है कि कहां पर पावर जीरो हो जाएगा, तो कह रहे कि अगर फॉर पावर इक्वल टू जीरो तो पूरे एक्सप्रेशन को पकड़े जीरो कर देते हैं, तो 20 − 19 टी। अच्छा यहां से टी कॉमन आ जाएगा क्या, देखो तो टी 4 − 19 बराबर 0। अब इसका मतलब क्या है, देखो तो कहां कहां जीरो हो रहा है, जब टी का वैल्यू 0 हो जाए, और जब टी का वैल्यू कितना हो जाए, देखो जल्दी से 4/9 हो जाए या फिर टी का वैल्यू 2/9 हो जाए, सही लिखे क्या। अरे टी का वैल्यू 2/9 करोगे तभी जीरो आएगा ना, ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा ना। अरे बुलंद रे, ठीक है यहां तक ओके। चलो अब बताओ, एक मोटर है जो 2 किलो पानी को 10 मीटर तक 10 सेकंड में खींचता है, ठीक है सुनना ध्यान से। एक मान लो कि 2 किलो पानी है, ये 2 किलो पानी उसको 10 मीटर तक खींचा, कितना खींचा 10 मीटर तक, 10 सेकंड तक खींचा, 10 सेकंड में खींचा, तो कितना पावर लगा होगा बता दो। तो सर जी पावर जो लगा होगा वो तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम लगा होगा, सही है क्या। वर्क कितना हुआ होगा, देखो तो फोर्स लगा होगा नीचे, अब बॉडी गया ऊपर, समझ में आ रहा है बात, तो एमजीएच लगा होगा ना वर्क समय टी, तो मास कितना दिख रहा है 2 g के जगह पे 10, हाइट दिख रहा है 10, समय दिख रहा है 10, यानी कि 20 वाट। ये हुआ 20 वाट उसको चाहिए। कह रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ मोटर अप टू 40% देन पावर डिलीवर बाय द मोटर। मोटर का एफिशिएंसी मात्र 40% है। अब इसका मतलब क्या है कि ये चाहिए, सुनना ध्यान से, मोटर का एफिशिएंसी है 40% और ये कह रहा है कि मोटर विल लिफ्ट 2 kg वाटर अप टू 10 मीटर। तो बताओ उसका मतलब ईटा कितना है, बताओ पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये बोलते हैं, ये है 40%, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या। अरे यार, और हमको क्या चाहिए, हम बनाए, बन जाएगा आप तुम लोग से आंसर। कह रहा है कि अगर पानी का रफ्तार भी 0 से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ गया तो कह रहा है कि इस इंटरवल पावर डिलीवर कितना हुआ, उसी सेम सवाल में, इसी सेम सवाल में कह रहा है कि रफ्तारों बदल गया, यानी कि उसके पास आप क्या क्या देखो, तो उसके पास टोटल वर्क डन कैसे आया, सर जी एमजीएच ही मिला होगा, और साथ में उसको हाफ एम वी स्क्वायर मिल गया क्या, क्योंकि वेलोसिटी मिल चुका है ना, हाइट पर जा करके कुछ रफ्तारों मिल गया उसको, तो यानी कि वेलोसिटी मिल गया। अब बाय टोटल टाइम टी, क्या अब हम बनाए, वजन वजन सब दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दिया हुआ है, क्या हम बनाए कि बन जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लिक्विड जेट ऑफ डेंसिटी रो इजेक्टिंग आउट फ्रॉम द जेट एट द वेलोसिटी भी, कह रहा है कि मान लो कि एक
जेट है। ओ हो, इसको पहचानते क्या हम लोग इस सवाल को हम लोग पहचानते हैं क्या, कि किसी रफ्तार से जेट से पानी निकल रहा है किसी एरिया ए से, दीवार पे कितना फोर्स लगता था, याद है? हाँ, तो फोर्स बराबर क्या था, रो ए भी का स्क्वायर था ना। ये क्या था, फोर्स अप्लाइड ऑन दी वॉल, इतना था। कितनों को नहीं आता है ये, कि हम पूरा प्रूफ कर दे, अभी जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, अभी हम कर देंगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, फिर टेंशन ले लेंगे, हो जाएगा तुम लोग को, कर देते हैं। तो फोर्स बराबर बताए थे चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम होता है ना। तो एम छोटा सा मान लो, कि छोटा सा मान लेते हैं मास, इसका वजन है डीएम, कितना है डीएम, तो डीएम इंटू वी, और ये समय जो भी लगा होगा डीटी मान लेते हैं, तो इसको यहां से लग दीवार में हिट करने में जो समय लगा होगा वो डीटी टाइम होगा। तो डीएम बराबर क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम कितना, ये डीएक्स मान लेते लेंथ, तो ए इंटू डीएक्स कर लेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, इंटू वी बाय डीटी। तो देखो तो क्या, डीएक्स वेलोसिटी होगा क्या, तो रो ए बी स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया अभी, ठीक है, ये फोर्स हो गया। करा पावर बताओ, तो पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है क्या, तो फोर्स दिख रहा रो ए बी का स्क्वायर इंटू वी, क्या बचा, रो ए बी का क्यूब, आंसर, कोई सवाल। हाँ, तो कहानी यूं है कि अगर हम बोलते हैं लिक्विड जेट है, इसका डीएम मास काट लेते हैं, डीएम मास किसी रफ्तार भी से भाग रहा है, इसका डीएक्स विड्थ है, डीएक्स लेंथ का चीज दीवार में जाकर के हिट किया है ना, ऐसा एकदम नहीं आ रहा है। अब पूरे अच्छे से आएगा, मोबाइल से भी कनेक्टेड था, मोबाइल में मैसेज आया, इधर भेज दिया, ठेल दिया मेरा आवाज। अब सुनो, तो डीएम है भी रफ्तार से भाग रहा है, डीएम मास दीवार पे हिट किया, बताओ मोमेंटम कितना लगा। तो सर जी मोमेंटम कितना है, डीएम इनटू वेलोसिटी होता है ना, मोमेंटम है ये चेंज इन मोमेंटम है रे लद भाई सर, तुम लोग ये चेंज इन मोमेंटम लिखे हैं, है ना, मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, ये पी मतलब प्रेशर नहीं, सॉरी पावर नहीं समझ लेना इसको। तो यहां से हो गया डीएम इनटू वी बाय डीटी, तो डीएम कितना हो जाएगा, मास डेंसिटी बराबर क्या याद है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, ये पढ़े हो ना, हाँ, तो डीएम बराबर क्या बचेगा, रो इनटू डीवी, रो डी वी बराबर क्या लिखोगे, ए डी एक्स लिखोगे ना, इसका एरिया इंटू डी एक्स विड्थ, है ना, और अब हम लिखे, समझ में आ गया, अरे रो ए डी एक्स क्या हो गया, ये पूरा का पूरा वजन, इसको भी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा पूरा का पूरा मोमेंटम बाय डी टी, तो डी सॉरी डी वेलोसिटी होता है ना, अरे रो ए डी एक्स बाय डी टी मतलब भी तो भी तो बचाना रो ए भी स्क्वायर। अब बाकी फोर्स आ गया, फोर्स को वेलोसिटी से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, रो ए भी का क्यूब हो गया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत, बाकी तुम लोग को सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दीवार पे लिक्विड जेट कितना प्रेशर सॉरी फोर्स लगाता है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था भी से, खत्म सवाल। कुछ था इसमें, तुम लोग को सर्कुलर पाथ दिख रहा है क्या, तुम लोग को सर्कुलर पाथ दिख रहा है क्या, यही है वजन एम, दिख रहा है ना, रिवॉल्विंग विद रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है, सेंटर यही है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, क्या सबको समझ में आया। तो ये कुछ रफ्तार है भी, ठीक है, भी रफ्तार से भाग रहा है, करेक्ट, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो ये दिया है, देखो तो यही लिखा है क्या, सर्कुलर सॉरी कॉन्स्टेंट रेडियस आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम इतना, यानी कि एसी दिया हुआ है हमको, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ क्या, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, याद है वी स्क्वायर बाय आर होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतने होता है ना, जिंदगी बर्बाद हो गया,
अरे होता है ना रे, अरे सेंट्रीपिटल एक्सरसाइज। हाँ तो यहां से अगर हम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो वी बराबर बोलो के आर टी लिख दे, कोई तकलीफ है? क्या दिख रहा है रे तुम लोग को, क्या दिख रहा है? ये फंक्शन है टाइम का, यानी कि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ घट रहा है। अब याद करो दो तरह का हम सर्कुलर मोशन बताए थे, एक में अगर बताए थे स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगा, कान खोल करके ध्यान सुनो अभी से फिर से, अगर सर्कुलर मोशन चाट गए हो तुम लोग तो ठीक है। तो हम रुको, हम यहीं पर थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। तो अगर हम ये बात बताए थे दो तरह का मोशन होता है, एक सेंटर की तरफ लगता है और एक टेंजेंट की तरफ लगता है। ए टेंजेंशियल बताए थे, डी वी बाय डी टी होता है ना, और एसी होता है वी स्क्वायर बाय आर। और अगर ये होता है जबकि जब व्हेन वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट, सॉरी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, स्पीड, स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर नहीं रहेगा तो एटी होगा, और अगर कांस्टेंट रहा तो फिर सिर्फ एसी रहेगा। ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ। तो अभी देखो तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी फंक्शन हो गया टाइम का? क्या क्या ये वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का? इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ना रहा, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट ना, मतलब ए टेंजेंशियल है इसके पास। क्या ए टेंजेंशियल क्या होता है? डी वी बाई डी टी होता है कि नहीं होता? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो के आर बचेगा क्या खाली? अरे तुम लोग को तो समझ में आई बात कि नहीं आया? इसका मतलब है कि किसी भी इंस्टेंट पर यहां पर एक फोर्स इधर लग रहा हो क्या, टेंजेंशियल फोर्स, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए टेंजेंशियल होगा। अरे होगा ना रे। हाँ तो अभी बताओ इस पे फोर्सेस कितने लगे? तो फोर्स जो है आप भी बता सकते हो फोर्स कितना लगा है? फोर्स वेक्टर जो लगा होगा वो कितना होगा? तो सर एम ए सी प्लस में एम ए टी, क्या सही है? क्या एम ए सी क्या लिखोगे? ए सी कितना है? कहाँ मर गया, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर प्लस में एम ए टी कितना है? के आर, क्या सही है? क्या अरे ये न होगा, अरे ये वेक्टर में दिख रहे, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये माइनस में आर कैप और ये ई कैप, याद है टेंजेंट की तरफ, ये रेडियस की तरफ। और बताओ वेलोसिटी कितना होता है? ये भी तो वेलोसिटी ई कैप की तरफ होता है क्या, टेंजेंट की तरफ? अगर हम पावर पूछे तो क्या लिखोगे, फोर्स इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स तो मतलब इधर की तरफ कौन है, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट वाला है ना, ये तो परपेंडिकुलर वाला तो जीरो ही करवा देगा। याद है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई तो नहीं होगा, मैं तो लिख ही देते हैं, लो एम के का स्क्वायर आर टी स्क्वायर माइनस में आर कैप प्लस में एम के आर ई कैप को अगर हम डॉट करवा दें वेलोसिटी भी ई कैप से, तो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा ना, इसका तो जीरो हो जाएगा मामला, है ना? तो क्या बचा, एम भी के आर, ये ना बचा। अब वेलोसिटी जब क्या लिखोगे, के आर टी इंटू के आर, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो एम के का स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये ना हो गया आंसर। फोर्स दिया हुआ है, देखो फोर्स दिया है इस बार और कह रहा है कि पावर बता दो, फोर्स दिया है अब वजन भी दिया है, कह रहा है पावर बताओ। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एमए होता है क्या, वजन दिया 1 किलो एयर, एक्सन हमको पता है नहीं, है ना? और फोर्स का वैल्यू कितना लिखा है बताओ, तो 2t i कैप प्लस में 3t का स्क्वायर जे कैप, इतना लिख दिया है। और हमको चाहिए क्या पावर निकालने के लिए, क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी, क्या चाहिए होता है, याद है ना? एक्शन के जब क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी बराबर हो गया 2t i कैप प्लस में 3t का स्क्वायर जे कैप, हमको चाहिए ना वेलोसिटी, तो डी वी बराबर क्या कर देंगे, 2t dt i कैप प्लस में 3t का स्क्वायर dt j कैप, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड तो काम बन जाएगा क्या, तो बी बराबर क्या जाएगा, 2t का स्क्वायर बाय 2 i कैप प्लस में 3t का क्यूब बाय 3 j कैप। तो बेसिकली क्या बचा, t स्क्वायर i कैप प्लस में t का क्यूब
जे कैप एन हो गया, तो वेलोसिटी अगर पावर हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स दिख रहा है कितना जी, 2t i कैप प्लस में 3t का स्क्वायर j कैप को डॉट करवा देंगे t स्क्वायर i कैप प्लस में t का क्यूब j कैप से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं इसको डॉट ऐसे कर रहे हैं ना, तो 2t का क्यूब अब प्लस में 3t पावर 5 इतना बचेगा ना, कुछ था इसमें क्या, अब आराम हो गया ना, आसान हो गया ना सवाल, अब आगे बढ़े हैं। ठीक, ये सवाल देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कि एक पार्टिकल है जिसका वजन दिया है 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, सही बात है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी एड विद इतना इतना, कह रहा है कि जब एक्स का वैल्यू 4 पर है तब बताओ इसका पावर, जब यहां पर है तब पावर। अच्छा वेलोसिटी दिया ही है क्या, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, है ना जी, अरे वेलोसिटी तो दिया हुआ है ना हमको, तो चार एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर, वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, हमको क्या चाहिए सिर्फ फोर्स। अब फोर्स के लिए क्या होता है, एम ए होता है, एम एक्सेलरेशन मतलब डीवी बाय टीटी, या फिर एम वी डीवी बाय डीएक्स, कौन सा यूज करेंगे जल्दी बताओ इसको, इस ग्राफ को देख करके खाली तुम बताओ कौन सा यूज करना चाहिए बेहतर है, डीएक्स, गुड, ये यूज होगा ये यूज नहीं होगा क्योंकि भी और एक्स दिख रहा है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं फोर्स के लिए, तो वजन तो दिख रहा है 0.1 और वेलोसिटी कितना है, जब एक्स का वैल्यू 4 पर है तो वेलोसिटी दिख रहा है 10, दिख रहा है क्या, और डीवी बाय डीएक्स, अच्छा डीवी बाय डीएक्स ही तो स्लोप है क्या, देखो ये डीवी बाय डीएक्स का स्लोप दिया है क्या यहाँ पर 37 डिग्री, जो टेन 37 डिग्री होगा वो तो क्या है, डीवी बाय डीएक्स ही तो है, इस समय का स्लोप ही तो दिया हुआ ही है, इस जगह पर स्लोप ही ना दिया है 10 37 डिग्री, जिंदगी बर्बाद हो गया। 10 37 का वैल्यू कितना होता है 3/4 डी बाय डी एक्स, तो डी बाय डी एक्स 3/4, ये हो गया फोर्स, और हमको चाहिए पावर, क्या चाहिए पावर, पावर मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स दिख रहा है क्या, बेसिकली ये तो कट गया ना रे, तो 3/4 आया ना, तो 3/4 और वेलोसिटी दिख रहा है 10, यानी कि 30/4 वाट आंसर, कितनों को नहीं आया समझ में जल्दी बताओ। कितनों को नहीं आया, अब आगे बढ़ते हैं, गॉट एग्जैक्टली 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट देखते हैं कितना तक खींच सकते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीछे तुम लोग के लिए सवाल है वो हम तुम लोग को दे देंगे। अभी कर रहे हैं स्टडी ऑफ मोशन व्हेन पावर डिलीवर डिपेंड ऑन द टाइम एज पी का वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं के है, पी का वैल्यू पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब पी का वैल्यू हम मान लेते हैं के टी है, और यहाँ पर पी का वैल्यू के टी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर पी का वैल्यू के ई पे पावर टी कर देते हैं। कोई सवाल, सपोज करो एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका वजन एम है, ठीक है, इस पे हमने लगा दिया पावर, और पावर कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है, चार केसेस हैं हमारे पास, तो हमको जानना है उसका पोजीशन कितना हुआ, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, यही है क्या, पढ़ना स्टार्ट करें, कि तुम लोग का दिमाग भूकंप छा गया, स्टार्ट करा जाए, अभी तक तो बहुत आसान आसान चीज ना पढ़े हैं जी, अरे थोड़ा सा p बराबर क्या लिया हुआ k है ना, और हमको चाहिए ये सब चीज। अच्छा पावर का वैल्यू देखो कैसे बनाओगे, देखो एक बात समझना, बाकी तुम लोग सब अपने से बना लोगे, p बराबर k क्या होता है, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, पढ़े है ना ये बात, है ना, अरे तो पढ़े हो ना, और वेलोसिटी बराबर क्या सीखे हो, सॉरी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा एम ए, और वेलोसिटी जब भी लिख लेते हैं तो के बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन का मतलब डीवी बाय डीटी इनटू वी, यहां तक कोई दिक्कत है, तो यहां से लिख लेते हैं वी डीवी बराबर के बाय एम इनटू डीटी,
याद है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, यहाँ से के बाय एम बाहर आएगा, डी टी के रिलेशन टी हो जाएगा, तो भी स्क्वायर बराबर क्या बचा, टू के बाय एम इंटू टी, तो भी बराबर हो गया रूट ओवर टू के बाय एम इंटू टी पे पावर हाफ। क्या समझ में नहीं आया? वेलोसिटी आ गया। अगर हम इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ में, सुनना ध्यान से, क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? क्या इसी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे एक्सेलरेशन टाइम के साथ में, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ? तो डी बाई डी टी होगा ना, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो पकड़ करके बाहर निकाल लेते थे, टू के बाय एम बाहर आ गया, इसको क्या लिखोगे, एन एक्स एन माइनस वन हाफ पर पावर टी हाफ माइनस वन, ये हो जाएगा। तो यहां से क्या रूट ओवर टू के बाय एम इंटू हाफ, हाफ में से एक घटा चल खत्म हो गया, तो माइनस में हाफ हो गया, एन हो गया, तो बेसिकली क्या बचा, हाफ रूट ओवर टू के बाय एम इंटू टी पावर माइनस में हाफ, दैट्स इट आंसर। एक्सेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया। कोई सवाल है क्या? भी और एक्सेशन आ गया क्या? सोनल, आयुष, आयुष, खुशी, अच्छा चलो ठीक। डी नंबर में देखो पावर का वैल्यू कितना, सॉरी सॉरी, अभी पोजीशन का एक्स ने बताए थे, अभी एक्स ने बताए थे, बी नंबर नहीं, अभी एक्स ने बताए थे। अभी एक चीज और, क्या हमने देखा कि भी का वैल्यू रूट ओवर टू के बाय एम टी पावर हाफ था? हाँ था। तो भी बराबर क्या होता है, डीएक्स बाय डीटी होता है क्या, होता है ना, तो डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी डीटी, इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो एक्स बराबर क्या बचा, भी की जगह पे लिख दो, तो रूट ओवर टू के बाय एम टी पावर हाफ इंटू डीटी, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट है, पकड़ के बाहर कर देंगे, तो रूट ओवर टू के बाय एम बाहर आ गया, अंदर में बच गया टी पर हाफ इंटू डी टी, तो रूट ओवर टू के बाय एम, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टी पर हाफ प्लस वन बाय हाफ प्लस वन, क्या सबको समझ में आ रहा है? और 3/2 हो जाएगा ना, तो बेसिकली 2/3 और टी पर 3/2, ये हो गया एक्स। क्या सबको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है, बस यही तो था। चलो बी नंबर में देखते हैं, पी बराबर लिखा है के टी, यानी कि है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो पी बराबर के टी, के कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे इतना, तो के टी बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की जगह पे लिखेंगे एम ए इंटू बी मास, एक्सेलरेशन जब क्या लिखोगे, डी वी बाय डी टी इंटू बी। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया गाना कैसे लिखते हैं? तो क्या लिखेंगे इसके बाद बता दो, तो भी डी वी बराबर, भी डी वी बराबर के टी डी टी बाय एम, समझ में आया? तो भूकंप आ गया होगा दिमाग में, देखो ध्यान से इस एक्सप्रेशन को, देखो यहां से क्या लिखा हुआ, के टी बराबर एम एक्सरसाइज पे क्या लिखोगे, डी वी बाई डी टी इंटू भी, ठीक है, तो यहां से क्या बचा, भी डी भी बराबर के बाय एम इंटू डी टी इंटू टी भी। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो हमको वेलोसिटी का स्क्वायर बाय टू तो आ ही जाएगा ना, यहां से भी के बाय एम तो बाहर ही आ गया, यहां से हो गया टी का स्क्वायर बाय टू, टू से टू कट गया, तो भी बराबर क्या बचा, टी रूट ओवर के बाय एम, सही है क्या? तो भी आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखा गया, डी वी बाय डी टी, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट है, तो रूट ओवर के बाय एम बचेगा, एन बचेगा, अरे टी का तो डिफरेंशिएशन टी एन होगा, मतलब वन हो जाएगा ना। और इसको अगर एक और चीज लिख सकते हैं कि भी बराबर होता है डी एक्स बाय डी टी, तो बराबर हो गया टी रूट ओवर के बाय एम, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से रूट ओवर के बाय एम
इंटू टी इंटू डी टी, तो दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर के बाय एम टी का स्क्वायर बाय टू। क्या सब आ गया? क्या सी नंबर हमको बनाना चाहिए? क्या सी नंबर में पी बराबर के टी स्क्वायर लिखा है, क्या सॉल्व हो जाएगा? डी नंबर में लिखा है पी बराबर के ई पावर टी, इसको कर देते हैं। तो एम ए की जगह पे क्या लिखोगे? अरे फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना, एम ए इंटू बी है ना, तो एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी इंटू बी। जिसको नए समझ में आया फिर से देख लो, बार बार एक ही चीज आ रहा है। सबसे आसान चीज हो गया क्या धरती पे, के बाय एम इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट, अरे रे 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 रे, तुम लोग नहीं देख रहे रे, क्या जाएगा कैसे होगा, बी स्क्वायर स्क्वायर बाय टू बराबर हो गया के बाय एम ई पे पावर टी का टी पावर टी होता है सर जी, नहीं होता है रे, तो टू के बाय एम ई पे पावर टी। तो भी बराबर क्या बचा, रूट ओवर टू के बाय एम, ध्यान से देखो यहां पर ई पे पावर टी दिख रहा है, यहां पर यहां टू दिख रहा है, तो टी बाय टू हो जाएगा। क्लियर क्लियर है यहां तक? अब अगर हम पूछते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होता है डीवी बाय डीटी, तो इसको तो पूरा बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट ओवर टू के बाय एम तो बाहर आ गया, और ई पे पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन जानते ही ना वही होता है, और इनटू वन बाय टू है, वन बाय टू ना, तो वन बाय टू रूट ओवर टू के बाय एम ई पे पावर टी बाय टू। ठीक है, कौनो जिंदगी में पाप किए रहे होंगे जो कि साइंस लेना पड़ा, ठीक है, और उससे ज्यादा बड़का पाप किए होंगे जो आपके सेमेस्टर मिला, यहां तक ठीक है? अरे बोलन रे, हाँ कहाँ पढ़ाते हैं समझे में ना, रूट ओवर टू के बाय एम ई पे पावर टी बाय टू, तो डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, इतना डी टी रूट ओवर टू के बाय एम ई पे पावर टी बाय टू इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर ले रहे हैं इसको, तो यहां से आ गया टू के बाय एम बाहर आ गया, ई पे पावर समथिंग का इंटीग्रेशन वही होता है लेकिन हाफ से डिवाइड कर लेते हैं, एकदम खत्म हो गया सवाल। क्या ये सब एकदम पढ़ा हुआ हमारा, एक एक चीज पढ़ा हुआ था ना, हो गया खत्म, कोई सवाल है यहां तक, कोई सवाल है यहां तक? ठीक है रुक जाओ, अभी अभी बहुत सारा चीज है, हम थोड़ा एक्स्ट्रा सारे स्लाइड्स ले लिए थे, थोड़ा क्या मेरे पास समय है, ए 6 मिनट है रे, 6 मिनट में धुआं उड़ा देंगे, आज खत्म करके छोड़ेंगे इसको, तुम लोग है ना साथ में, इसका वजन एम है, फिर से चाहिए स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि एक्स भी ए वगैरह चाहिए हमको, स्टार्ट करा जाए। क्या हम यहां से कह सकते हैं पी बराबर के है, क्या हम इसको कह सकते हैं पी बराबर के एक्स लिखा है, क्या यहां लिख सकते के एक्स का स्क्वायर, यहां पी बराबर के ई पावर एक्स, क्या सही लिखे हैं क्या? हम एक बना देते हैं, तुम लोग सब बना लेना, बना लोगे? अरे पिछले वाले में क्या था, यहां पर टी पर डिपेंडेंसी था ना, देखो ध्यान से देख गया सबको, यहां पर टी पर डिपेंडेंसी था, इस बार एक्स पर डिपेंडेंसी हो सकता है, समझ गए बात को? ये क्वेश्चन बार बार नीट में मेन में पूछा जा रहा है, अगर जो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे भी आ गए, देख लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर यही है देख लो, है क्या लेंगे आगे, ठीक है तुम लोग देखना कैसे सवाल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे पास भी है, मिल जाएगा पीछे, ए नंबर पी बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स नहीं है के, p बराबर कितना है के, k बराबर क्या हो जाए बोलो, तो f भी यहां तक ठीक है, m a into b यहां तक सबको समझ में आता है, लेकिन हमको चाहिए x में रिलेशन, तो क्या लिखेंगे m v dv by dx याद है into b बराबर हो जाएगा k, यहां से क्या बचा v स्क्वायर dv बराबर k dx by m, यहां तक ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, यहां से भी का क्यू बाय थ्री
और यहां से के बाय एम बाहर आएगा, एक्स बचेगा, तो भी बराबर क्या बचा, थ्री के बाय एम और एक्स इस पर पावर 1/3 और इस पर पावर 1/3, ये हो गया। अरे बोलो रहा, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये इस बार जो ये बस सिर्फ हमको वेलोसिटी निकाल देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या निकालोगे अब, वेलोसिटी। अगर चाहो तो एक्शन भी बता सकते हो, क्या हो जाएगा, वी डीवी बाय डीएक्स। तो वी की जगह पे यही लिख देना, बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ज्यादा लोड मत लेना, है ना। 3 के बाय m पर पावर 1/3 इंटू एक्स 1/3 हो गया भी, और इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो कॉन्स्टेंट है, पकड़ के बाहर कर लेते हैं, 3 के बाय m पर पावर 1/3 बाहर आ गया, और इसको डिफ्रेंशिएट क्या क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। सबको समझ में आ रहा है, तो 3 के बाय m पर पावर हो गया 2/3 और यहां से हो गया 1/3, और एक्स पे पावर देखो तो कितना आ गया, 1/3 1/2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 कितना बचेगा, माइनस में 1/3 हो जाएगा एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है, अरे बोलो रे, हाँ क्या आगे बन जाएगा बीसीडी पार्ट सेम है, जैसे ही निकाल देना है बीसीडी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इस वाले सवाल में कह रहा है कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगा दे कांस्टेंट, क्या लगा दे, फोर्स लगा दिए कांस्टेंट, एफ बराबर क्या बचा के, एफ बराबर, समझ में आ रहा है बात, अरे बोलो रे हा। तो ए नंबर बात करते हैं, ए नंबर में तो पावर किसके बराबर होता है बोलो तो, फोर्स इनटू वेलोसिटी बराबर एन होता है। तो फोर्स किसके बराबर है, के बराबर है, और यहां से बी हो गया, कोई कष्ट है बताओ, तो पी बराबर क्या हो गया, एफ इंटू बी, तो ये हो गया इतना। चलो अब आगे बढ़ते, बी नंबर में बात कर रहा है, ये निकल गया ना स्टडी ऑफ पावर, पावर बराबर क्या हो गया के इंटू बी, खत्म। अगला कह रहा है कि जब एफ का वैल्यू के टी लिखा हुआ है, ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा बता, तो एफ इंटू बी, तो फोर्स कितना दिखा हुआ है, के टी इंटू बी, समझ गए बात को। अच्छा इसको हम और इलाबोरेट कर सकते थे, यहां से के की जगह पे लिख के, और वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा, डी डीएक्स बाय डीटी बराबर हो गया पी। तो यहां से अगर हमको चाहिए एक्स का वैल्यू, तो नहीं नहीं रहने दो, हमको पावर ही निकालना था इसमें, और कुछ नहीं निकालना था, ठीक है। क्या ये आसान है क्या यहां तक, अरे बोलो रहा, अरे यहां तक ठीक है, पावर निकल गया ना के टी इंटू बी, तो पावर किसके प्रोपोर्शनलिटी हो गया, टाइम के, दिख रहा है ना, पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम के, ठीक है। और देखो एक बात और, कि अगर फोर्स बराबर लिखा है के टी, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम ए। और यहां से अगर हम लिख सकते हैं के टी बराबर एम इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे क्या, एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डीटी होता है क्या, तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा, के टी डी टी बाय एम, है ना, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, के बाय एम इंटू टी डी टी, टी स्क्वायर बाय टू, है ना जाएगा। इस भी को यहाँ पुट कर लो, तो पावर किसके बराबर हो गया, देखो तो एफ बी बराबर के टी इंटू भी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, के बाय एम इंटू टू टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो बेसिकली क्या बचा, के स्क्वायर बाय टू एम टी का क्यूब इंटू डी टी हो गया पावर। तो पावर जो है वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का क्यूब हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया रे, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट है रहा, डीटी कहां से, हाँ कुछ बोल रहे थे तुम लोग, हाँ अभी भी, हाँ हाँ सर, यहाँ पे
अभी ठीक है ना? क्या इधर भी निकाल सकते हो क्या इस तरह से कि पावर किसके प्रोपोर्शनल है इस वाले में भी? तो पावर वाला क्या हो जाएगा, के बराबर एम ए, एम ए की जगह पे डीवी बाय डीटी, तो डीवी बराबर हो गया क्या से के बाय एम इंटू डी टी, तो भी बराबर हो गया के बाय एम इंटू टी, तो यहाँ से के इंटू भी की जगह पे के बाय एम इंटू टी, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टी के प्रोपोर्शनल हो गया इस वाले में, यहाँ पर टी का क्यूब का प्रोपोर्शनल हो गया। समझ में आया बात? अरे बोलो रे, खाली इतना बताना कि पावर किसके प्रोपोर्शनल है, क्या सी और डी बन जाएगा? ठीक है, तो आप सुनो। हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए, कोई दिक्कत है? किसको दिक्कत है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है नहरे? देखो दो चीज और सिखाना था हमको, और कुछ नहीं था, यहां से एक स्लाइड ये था एक स्लाइड ये था, बाकी अब क्वेश्चन नंबर वन सुनो, बाकी ये दोनों हम बता देंगे नेक्स्ट डे, ठीक है? तो ये सुनो, यहां से क्वेश्चन नंबर वन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन नाइन, क्वेश्चन टेन, ये सारे क्वेश्चन तुम लोग के लिए हैं, मेरे लिए नहीं है, तुम लोग सॉल्व कर लेना। मिलते हैं।